नगर के स्वदेश नगर निवासी विनोद और सरिता के बच्चे होने की खुशियां अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि बच्चे की मौत की खबर ने पूरी खुशियों को छीन लिया। आज से लगभग 2 माह पूर्व विनोद और सरिता ठाकुर स्वदेश नगर निवासी के घर खुशियों का वातावरण निर्मित हो गया जब सरिता ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया। वहीं आंगनवाड़ी से फोन आने पर जब पत्नी और पति अपने 2 वर्षीय बालक को जिला अस्पताल लेकर आए जहां बच्चे को टीका लगाना था, परिजनों के अनुसार बच्चे को नर्स अंदर लेकर गई और थोड़ी देर बाद ही खबर दी कि बच्चा खत्म हो गया है। बच्चे की मौत की खबर जैसे ही परिवारजनों को लगी, परिवारजनों ने इकट्ठे होकर अस्पताल के चच्चा बच्चा वार्ड में हंगामा कर दिया और मौजूदा अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस बल बुला लिया। इधर अस्पताल स्टाफ की माने तो बच्चे को ज्यादा दूध पिला दिया गया था जिससे बच्चे के फेफड़ों में दूध जम जाने से बच्चे की मौत हुई है। बच्चे के परिजन अब पुलिस और CMHO को शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। सरही क्या नाम है आपका? राजेश जयसवाल। जो आइए हॉस्पिटल में घटना हुई, क्या है पूरा मामला? ये घटना क्या था, बच्चों को घर से अच्छा खासा लाया टीका लगवाने के उद्देश्य से, लेकिन वो यहाँ लाने के बाद इन लोगों ने इंजेक्शन दिया, उसको बॉटल दिया, जो भी दिया वो टीका बेहाल हो गया। उसके बाद इतने फूक देर तक उसको पंचिंग करा, मतलब कितने साल का बच्चा था? ये डेढ़ महीने का बच्चा। जी पूछा नहीं काय का टीका लगाया था, क्या है? कुछ नहीं बताया हम लोगों ने, नहीं बताया। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? और अभी हम लोग बात कर रहे थे, इन्होंने सोनम पर बोला कि हमको धमकाने के लिए सोनम पर बुला लिया, हमसे बोलते हैं कि तुमने दूध ज्यादा पिला दिया। ये बच्चा जो आया था उसके दूध जो था उसने फेफड़ों में चला गया था इसका, जी पूरे के पूरा ब्लूज कलरेशन था, ठंडा था पूरा बच्चा, इसको सुई तक नहीं लग रही थी। मतलब आपके पास खेलता हुआ बच्चा नहीं आया हमारा? बच्चा हम इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे, ठंडी गर्म है अभी, ट्रीटमेंट देने के बाद बॉडी गरम है अभी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सीहोर से विनेश चौहान की रिपोर्ट।